Audio Jungle. News 27 राजस्थान शिक्षा का मंदिर बना आवारा पशुओं के लिए रेन बसेरा रानी के जीवंत कला का है मामला। कहते हैं कि शिक्षा से इंसान महान बनता है और उससे ही देश का विकास संभव होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भाजपा शासन के दौरान प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शामिल कर दिया गया, जिसके चलते है प्राथमिक विद्यालय भवन नाकारा साबित हो रहे हैं। ऐसा ही पाली जिले की रानी तहसील की ग्राम पंचायत जीवंत कला ढाणी स्थित विद्यालय भवन का है, जहाँ पिछले कई वर्षों ये प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा है। पिछली सरकार ने ऐसे कई स्कूल है जिनको बंद करवा दिए थे। जहां सरकार बेरोजगारों को रोजगार और देश शिक्षा के स्तर को उच्च करने के कागजी वादे करते हैं, और दूसरी ओर स्कूलों का बंद होना विद्यार्थियों व परिजनों के लिए मुसीबतों का कारण बन चुका है। जीवंत कला ढाणी में बनी एकमात्र स्कूल को बंद कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय ने अच्छा रिजल्ट दिया था तथा इस ढाणी की में स्थित स्कूल का बंद होना सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों को अब गहलोत सरकार से आशा है कि वो पुनः विद्यालय सुचारू कर विद्यालय व विद्यार्थियों को राहत दे एवं शिक्षा विभाग इसकी तरफ ध्यान दे। विद्यालय बंद होने के चलते ये आवारा पशुओं अड्डा बन गया है तथा चारों ओर गंदगी का आलम है। जीवंत कला ढाणी में स्कूल नहीं होने की वजह से 1 किलोमीटर दूर नदी पार करके गाँव में जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है, तो दूसरी ओर सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का भय रहता है।